क्या आप जानते हो चुप रहने का अनेकों फायदा। चुप रहने से अनेक समस्याओं का हल होता है और इसके अलावा तनाव घटाने और एकाग्रता बढ़ाने में समेत शांत रहने का फायदा होता है। मेडिटेशन और ध्यान लगाना खुद को शांत करने और तनाव घटाने का एक बेहतरीन तरीका है। आपने ध्यान दिया होगा कि हर धर्म और संस्कृति में शांत और मौन रहने का महत्व दिया गया है। चाहे आप इसे धार्मिक नाम दें या जीने का एक तरीका, लेकिन दिन भर में कुछ समय तक अकेले शांत बिताने का आपका स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकता है। कई साइकोलॉजिस्ट भी कॉन्फिडेंस बढ़ाने, कंसंट्रेशन बढ़ाने और मन शांति के लिए और शरीर में पॉजिटिव ऊर्जा को विकसित करने के लिए और पॉजिटिव थिंकिंग के लिए भी कहीं कुछ मिनट मौन धारण करने की सलाह देते हैं। जब हम कुछ समय शांति से मौन रहते हैं तब हमें खुद से बात करने का मौका मिलता है। हम चिंतन मनन करते हैं जिससे हमारा मन शांत होता है, दिमाग रिलैक्स होता है, दिन भर की थकान मिट सकता है और विचारों को हम कंट्रोल कर सकते हैं। शांत रहने का ये तो साधारण सी फायदा है। आइए जानते हैं कुछ चौंका देने वाली और कुछ नए फायदा जो आपको भी हैरान कर सकती है। जो आदमी शांत बैठता है उसका दिमाग बेहतर काम करता है। हाँ जी, ठीक सुन रहे हो। एक रिसर्च के मुताबिक अगर हम दिन भर में कुछ मिनट भी शांत रहेंगे तो हमारा दिमाग एकदम से चलता है, तेजी से काम करने लगता है। और ऐसा करने से आप देखेंगे कि आपका दिमाग ठंड तो रहता ही है, आपके व्यक्तित्व रिश्तों में भी सुधार होता है। तनाव वाले हार्मोन को नियंत्रित करने में मदद करता है। आजकल दिन भर की काम और थकान की वजह से तनाव वाली हार्मोन भी ग्रो होता है। ऐसे में अगर आप हर रोज कुछ देर मौन रहने की प्रैक्टिस करते हो तो इससे आपके तनाव पैदा करने वाले हार्मोन के लेवल भी कम होता है। इससे आपका दिमाग शांत होता है, गुस्सा नियंत्रित रहता है और तनाव बढ़ाने वाली हार्मोन का लेवल भी घटता है। ब्रेन सेल्स बनने में मदद करती है। अक्सर तनाव, स्ट्रेस, एंजाइटी और लगातार बोलते रहने और शोर शराबे के चलते हमारे दिमाग का कोशिकाएं मरने लगती है, पर हम कुछ देर शांत और मौन रहने से हमारे दिमाग की सेल्स दोबारा बनती है। इससे हमारा दिमाग और दिमाग तेज होता है और दिमाग की शक्ति भी बढ़ने लगती है। इससे हमारी एकाग्रता बढ़ती है और दिमाग तेज होता है, क्रिएटिविटी बढ़ती है। हाँ जी, क्रिएटिविटी बढ़ाने में भी मदद करती है। अक्सर क्रिएटिव लोग मेडिटेशन में ज़्यादा जोर देते हैं क्योंकि जो आदमी मेडिटेशन करता है उसका ब्रेन सेल्स रिपेयर भी होता है और तनाव वाले हार्मोन भी ग्रो होता है और दिमाग अच्छे से काम करने लगती है। इसलिए वो दूसरों की तरह स्लो नहीं, फास्ट में काम करके लोगों को हैरान बना देती है। परिस्थितियों को सामना करना मदद करती है। एक रिसर्च में पाया गया है कि जो लोग मौन रहने की आदत डालते हैं वो मुश्किल और तनावपूर्ण परिस्थितियों का बेहतरीन ढंग से निकल पाते हैं और इस वजह से वो जीवन में सक्सेस और तारीफें भी बटोलने में सक्षम रहते हैं। दिमाग के लिए एक्सरसाइज। हाँ जी, हमारे शरीर का सबसे जटिल हिस्सा दिमाग होता है। ये पूरे शरीर को चलाता है और ये हमारे सभी इमोशंस को कंट्रोल करता है। ऐसे में ज़रूरी है कि हम अपने दिमाग को भी व्यायाम करवाएं। जिस तरह शरीर को मजबूत बनाने के लिए शारीरिक व्यायाम ज़रूरी है, उसी तरह दिमाग को भी मजबूत कराने के लिए दिमाग की ज़रूरी ताकत बढ़ाना ज़रूरी है।
इसलिए मौन रहना हमारे दिमाग की एक्सरसाइज होता है। इससे हमारा दिमाग एकदम फ्रेश होता है, जिस वजह से आप काम को आसानी से कर सकते हैं और दिमाग ठंडा रहकर अपना रिश्ता भी उतार सकते हैं। पॉजिटिव विचारों का संचार। हाँ जी, जो आदमी मेडिटेशन करता है, जो आदमी शांत रहता है, उनके दिमाग में पॉजिटिव विचार ज़्यादा आते हैं, वो नकारात्मक विचारों से बचे रहते हैं। और मौन रहने का हमारे दिमाग का पॉजिटिव विचारों में इतना ज़्यादा वृद्धि होता है कि हम सोच भी नहीं सकते। जब हम दिमाग को बाहरी शोर शराबे से दूर करते हुए कुछ समय खुद पर केंद्रित करते हैं, तो हम अपने आसपास की अच्छाइयों को बेहतर ढंग से देख कर समझ पाते हैं। इसके साथ हम अपने आसपास और खुद के भी भीतर की अच्छाइयों की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और उससे हमारे जीवन में बदलाव आती है। इसलिए कुछ समय मौन रहते हुए खुद को समझना चाहिए, अपने भीतर झांकना और अपने बारे में समझना एक बेहतरीन प्रैक्टिस भी है। एक अच्छे श्रोता और समीक्षक। चुप रहना और कुछ समय तक खुद को स्थिर रखना आपको एक अच्छा श्रोता और समीक्षक बनाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप चुप रहते हैं तो आप बोलने की बजाय अधिक से अधिक सुनते हैं और उसका विश्लेषण कर पाते हैं। इससे आप पूरे तर्क और वितर्क को जान के और उसके बाद ही फैसला ले पाते हैं। आप सभी पक्षों को सुनते हैं, समझते हैं और डिसीजन ले पाते हैं। चुप रहना आपके दिमाग को शांत करता है और आपके लॉजिकल इंटेलेक्चुअल पावर को भी बढ़ाता है। इसलिए साथियों, कुछ समय चुप रहिए, कुछ समय ध्यान कीजिए, कुछ समय मेडिटेशन कीजिए और आप अपने आप को समझने की कोशिश कीजिए और जीवन में आप सफल ही सफल होंगे। आपका दिमाग एक ऐसे ऊंचाई पर पहुंचेगा जिससे आप गुस्सा तो नहीं करेंगे और आप एकदम ठंडे दिमाग से जीवन के विभिन्न कठिन परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं। और ऐसे ही मज़ेदार बातें और मेडिटेशंस के संबंध में और विभिन्न किस्म की नए मनोबल बढ़ाने की बातें समझना सुनना चाहते हैं तो कृपया पीडी फिल्म्स को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।